नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। बीजापुर में मुठभेड़ हुई, बीजापुर के पीडिया में मुठभेड़ हुई और इसको लेकर सवाल उठाए, तो ऐसे में सच आखिर है क्या? दरअसल बीजापुर के पीडिया में हुई नक्सल मुठभेड़ पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसको लेकर एक बार फिर से कहा कि बीजापुर के पीडिया में नक्सलियों को मारने के दावे को ग्रामीणों ने फर्जी बताया है। ये ग्रामीण कह रहे हैं। दीपक बैज ने यह भी कहा है कि मुठभेड़ में एक गूंगे व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई। कांग्रेस ने इस पूरी मुठभेड़ की जांच के लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जो पूरी जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। पीडिया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है और इस घटना में एक गूंगे युवक सन्नो की भी हत्या हुई है। घटना स्थल जाएंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और वस्तु स्थिति का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। वैसे आपको बता दें कि कोंटा से कांग्रेस के विधायक और बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा जो हैं, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि आदिवासियों को नक्सली बताकर जबरन जेलों में ठूंसा जा रहा है, उन्हें कैद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 महीने की बीजेपी सरकार जब से आई है तब से आदिवासी डरे हुए हैं, उनमें खौफ का आलम है और बीजेपी आदिवासियों को ही खत्म करना चाहती है। बढ़िया विकास भी होता था, रोड भी बनता था, बन रहा था। अब रोड वोड बनाना छोड़कर और विकास देना छोड़कर मारने से पीटने से जेल भेजने से कैसे होगा? वो गरीब आदमी जेल से कैसे छूटेंगे? उनके पास वकील पकड़ने के लिए आदमी नहीं है, तो बड़े लोग तो छूट जाते हैं, छोटे लोगों को मारना और जेल भेजना ये कहाँ से उचित? इसके अलावा बता दें कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय शर्मा। उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई या जो भी एनकाउंटर होता है पुख्ता सूचना के आधार पर ही किया जाता है और इसी के तहत कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस का काम तो है सिर्फ जांच कमेटी बनाने का, कांग्रेस ये काम भले ही कर सके। कांग्रेस के इतने नेता शहीद हो गए थे, उसकी जांच भी उनके जेब में थी, कहते थे भूपेश बघेल जी की, वो भी जांच पता नहीं चली और उसकी भी जांच कमेटियां बनी, वो भी जांच पता नहीं चली। मसला ये है कि कमेटी बनाकर करेंगे क्या? भाई जांच अगर करना है तो उचित बिंदुओं पर जांच करें। हालांकि नक्सलियों पर प्रहार में अब तेजी देखने को मिल भी रही है क्योंकि इससे पहले पिछले महीने कांकेर में हुई मुठभेड़ में भी 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए बीजापुर, कांकेर, बस्तर समेत कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन छेड़ रखा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर चुके हैं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो एनकाउंटर के इतर इस साल यानी कि 2024 में सरकार की तरफ से लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है नक्सली जो मुख्यधारा में लौटने चाहते हैं उनके लिए, और इसी से प्रभावित होकर कुल 76 नक्सलियों ने अब तक हथियार डाले, मुख्यधारा में वो लौटे हैं, जबकि इसी साल 180 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।